हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल फॉरेस्ट फेरी। अभी मॉर्निंग का 5:35 हो रहा है और मेरा नींद 30 मिनट्स पहले ही कंप्लीट हो चुका था, बट मुझे ना उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बेड से, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ठंड भी आ गया है तो लग रहा कि थोड़ा सा और रेस्ट कर लूँ और थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। लेकिन लास्ट में मुझे उठना पड़ा क्योंकि मेरी रूममेट लाइट ऑन की, क्योंकि उसको ऑफिस जाना था तो रेडी होने के लिए वो लाइट ऑन की। तो फिर मैं भी सोची कि मुझे भी तो वर्कआउट के लिए जाना है, तो मैं भी फट से उठ गई और अपना जल्दी से सारा काम करना, क्योंकि मुझे रेडी होने के लिए 30 से 45 मिनट्स लगता है। तो मैं सोची कि नहीं, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, इसलिए मैं फटाफट से अपना सारा काम कर ले रही हूँ पहले। और मैं कभी भी उठती हूँ बेड से तो सबसे पहले बेड को ठीक कर लेती हूँ, तो मैं सबसे पहले अपना बेड को ठीक कर ले रही हूँ। और अभी ब्लैंकेट नॉर्मल वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उतना ठंड अभी तक आया नहीं है, बस नॉर्मल ठीक ठाक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। मेरा तो थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब लग रहा है, दो दिन से थोड़ा सर्दी सर्दी फील हो रहा है क्योंकि फ़ैन ऑन करके सो जाती हूँ तो थोड़ा उसमें ठंड मुझे लग गया है। और सुबह सुबह मैं जब निकलती हूँ वो ठंड भी मुझे थोड़ा लग गया है। आज ना मैं जब से सुबह से उठी हूँ अपना काम गड़बड़ ही कर रही हूँ, इधर का उधर, उधर का इधर, क्या क्या कर रही हूँ मुझे खुद को नहीं पता चल रहा है। फिर उसके बाद मैं आज पानी पीने भी भूल गई थी, लेकिन मुझे ना फील हुआ अंदर से कि कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, तो फिर पानी पी ली क्योंकि मुझे आदत है सुबह पानी पीने का। फिर उसके बाद थोड़े से पी क्योंकि मुझे आज सर्दी से बिल्कुल भी पीने का मन नहीं कर रहा था, गला बहुत ही ज़्यादा भारी भारी लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा बस पानी पी ली। उसके बाद मुझे ब्रश करना था और ब्रश करना, ये तो मन भी नहीं रहे तब भी ब्रश करना पड़ता है। तो उसके बाद मैं चल गई और अभी भी मैं थोड़ा बहुत नींद में ही हूँ, मुझे होश नहीं है कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। फिर उसके बाद ना सुबह सुबह दौड़ना भी मुझे पड़ा क्योंकि किचन में मैं उधर पानी गर्म करने दे रही थी और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। 2-3 मिनट बाद जब मैं गई, मुझे 2-3 मिनट बाद मतलब याद आया, तो मैं जब किचन गई तो देख रही कि इतना ज़्यादा पानी गर्म हो गया था, वरना मैं ग्रीन टी के लिए 30 मिनट्स कम हो जाता, 1 मिनट में पानी अच्छे से गर्म हो जाता है तो वो मेरे लिए बेस्ट हो जाता, लेकिन आज 2-3 मिनट में तो बॉयल ही कर दी पानी को पूरा। अभी मॉर्निंग में ना जब मैं फेस में पानी लेती हूँ, बड़ा ही मज़ा आता है, सुकून वाला फील होता है, मतलब गर्म भी नहीं रहता, ठंडा भी नहीं रहता, पानी नॉर्मल रहता। और फेस में जब लेती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश वाला फील होता है। मैं ना कभी कभी अपना काम कंप्लीट होने के बाद सामान कहाँ रख देती हूँ मुझे भी याद नहीं रहता है, जैसे कि आज कहाँ रख दी थी मुझे याद नहीं, बहुत खोजने के बाद मुझे मिला। फिर उसके बाद मैं ग्रीन टी के लिए थोड़ा सा फ़ैन भी ऑन कर दी कि थोड़ा पानी नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए और जल्दी से मैं ग्रीन टी पी के निकल पाऊँ। फिफ्टीन मिनट्स मुझे लगा रेडी होने के लिए। जब मैं गई ग्रीन टी का कप पकड़ी तो देख रही हूँ कि उस टाइम भी ग्रीन टी का कप गर्म है, और मैं फ़ैन के नीचे रखी थी कि जल्दी से नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाएगा तो मैं जल्दी से ग्रीन टी पी पाऊँगी, लेकिन यार मैं जल्दी जल्दी पी भी नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा गर्म है। मैं ना ग्रीन टी पीते पीते मुझे इतना ज़्यादा गर्मी लगा कि मेरा फ़ैन फेस के सामने थोड़ा रखी कि थोड़ा सा नॉर्मल लगे, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था, गर्म ज़्यादा ही पी नहीं लग रहा। फिर ना मुझे ना गुस्सा आ रहा था थोड़ी देर बाद कि यार मैं जल्दी जल्दी पी भी नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर ना आज मैं थोड़ा सा रख दी क्योंकि मतलब पी नहीं पा रही थी तो मुझे पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैं छोड़ दी उसको, सोचे कि नहीं पीऊँगी। मैं जब भी बाहर जाती हूँ दो चीज़ से हमेशा परेशान हो जाती हूँ, खुद ही परेशान हो जाती हूँ कि मैं कैसे हेयर स्टाइल बनाऊँ और कौन सा शूज़ पहनूँ, इसमें हमेशा मैं कंफ्यूज रहती हूँ। आज मैं सोची कि क्या मैं हेयर स्टाइल करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सोची कि क्योंकि वर्कआउट के टाइम बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाता है बाल, तो मैं सोची कि आज तो हाई पोनीटेल कर लूँगी थोड़ा सा ताकि उसमें से बाल ज़्यादा गीला ना हो। ऐसे भी आज हेयर वॉश तो करना ही है मुझे, मैं पोनी तो कर रही हूँ यार, लेकिन सुबह सुबह ना मुझे रबर बैंड भी नहीं मिलता है क्योंकि मैं जब भी बाहर से आती हूँ रबर बैंड कहीं पे भी फेंक देती हूँ खोल के। फिर बहुत खोजने के बाद मेरे पर्स में एक रबर बैंड था, उसको मैं निकाली और उसी को अभी यूज़ करी, वो भी बहुत ही लूज़ हो गया है लेकिन अभी काम चलाने के लिए ओके है। तो आज मैं सोची कि आज थोड़ा सा अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा अलग कर लेती हूँ क्योंकि पसीना से भी थोड़ा अजीब सा लगता है, तो आज मुझे तो लग रहा कि उतना पसीना नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा सुबह सुबह निकलती हूँ तो खुद को भी फ्रेश फील होना चाहिए, तो मैं सोची कि थोड़ा सा अपना क्रीम तो यूज़ नहीं करती हूँ सुबह सुबह,
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगता है, पसीना से हालत ख़राब हो जाता है। तो यहाँ से जिम तक जाने के लिए थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ। यार मुझे ना अभी अपना बचपन याद आ गया। बचपन में मैं स्कूल जाने के लिए अपना सारा बुक्स को ऐसे ही अपना बैग में डालती थी और रेडी होके स्कूल जाती थी। आज ऐसे दिन आ गया कि मैं जिम जा रही हूँ और मेरा सारा जिम का सामान को रेडी कर रही हूँ, फिर मुझे जिम भी जाना है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, ये तो है। और आज ना मैं बहुत इजीली से अपना शूज़ निकाली और पहन ले रही हूँ, क्योंकि मैं जब रेडी हो रही थी तब से मैं सोची थी कि आज कौन कौन सा मुझे पहनना है। तो मैं इसीलिए आराम से अपना शूज़ निकाली और पहन ले रही हूँ, क्योंकि मैं पहले से सोच ली थी कि मुझे कौन सा शूज़ पहनना है। तो इसलिए मुझे आज बहुत ही ज़्यादा ईजी हुआ और मैं बहुत ही अच्छा से पहन ली। और ना मुझे अभी ना थोड़ा थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अच्छा ये फील हो रहा है कि मेरा ना सुबह से आज ना कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, मुझे पता नहीं चला, लेकिन अभी उसके बाद मुझे अभी फील हुआ कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा था तभी से। फिर उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा गर्मी लगा कि फ़ैन का हवा से ना मुझे थोड़ा सा सुकून लगा, ये वाला फ़ैन बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद ना मुझे याद नहीं था, मैं निकल गई थी। उसके बाद मुझे याद आया कि मैं तो परफ्यूम ही नहीं लगाई, फिर मैं रिटर्न आई, फिर उसके बाद मैं परफ्यूम लगाई। और परफ्यूम जिस दिन नहीं लगा के जाती हूँ, जिस दिन मुझे याद नहीं रहता है, उस दिन मुझे ना अजीब सा मतलब एक कॉन्फिडेंस फील भी नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले परफ्यूम लगा ली, फिर उसके बाद अभी मेरा निकलने का टाइम हो गया, अभी फाइनली मुझे निकलना ही है। फिर ना मैं जितना भी अपना ब्लॉग बनाती हूँ उसमें मैं ट्राइपॉड हमेशा यूज़ करती हूँ, तो आज भी मैं सुबह से ट्राइपॉड ही यूज़ कर रही थी। तो मैं इसको अभी रख देती हूँ, क्योंकि मेरे रूममेट घर से बहुत कोई नहीं आए हैं, तो अभी वो लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर फैला हुआ है सारा सामान, इसलिए मैं इसको सारा साइड करके जा रही हूँ। और आज मैं जैसे ही ऑटो स्टैंड पहुंची, मुझे ऑटो भी इतना जल्दी मिल गया कि आराम से बैठ के चल गए, वरना ऑटो के लिए भी मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ता है एक दो मिनट, लेकिन आज मुझे बहुत ही जल्दी ऑटो मिल गया। और मैं जब सांची पहुंची, सांची का माहौल तो ठंडा गर्मी या बारिश में सेम रहता है, एक ही जैसा रहता। फिर उसके बाद आके मैं अपना सारा वर्कआउट कम्प्लीट कर ली, उसके बाद मैं थोड़ा सा ये लोगों का वीडियो बना दे रही थी। मैं तो अपना बनाती नहीं हूँ जिम में, तो इसीलिए मैं ये लोगों का बना दी। फिर उसके बाद मैं निकली, देखो यार मैं जब जिम के लिए रेडी होकर आई थी मैं कैसे दिख रही थी और अब कैसे दिख रही हूँ। और आज ना पैर मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्द से हालत ख़राब हो रहा था। उसके बाद मैं नाश्ता ले लिया अपने लिए, और आज बिष्टुपुर जाने के लिए भी मुझे इतना जल्दी ऑटो मिल गया कि आराम से, वरना मुझे इसमें भी थोड़ा सा झेलाना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं निकल गई हूँ, और आज पूरा मार्केट बंद है, अभी तक वो खुला नहीं है, और मैं खाली खाली अपना रिटर्न भी आ गई हूँ। फिर जैसे रूम पहुँची मेरा तो हालत ख़राब था, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही वर्कआउट कर ली तो थोड़ा हालत ख़राब हुआ था। उसके बाद रिटर्न आने के बाद बैग को पूरा खाली करना पड़ता है, क्योंकि गीला टॉवल रहता है उसको भी थोड़ा सा वॉश करके ही मैं रखती हूँ। फिर ये सारा काम कर ली, फिर शूज़ खुलती ना थोड़ा सा बहुत ही रिलैक्स फील लगता है। उसके बाद रूम पहुंचते ही रूम का साफ़ सफाई थोड़ा कर ली, क्योंकि अभी रूम में कोई नहीं है, तो रूम का थोड़ा बहुत पूजा मैं कर ले रही हूँ। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपना सारा काम कर ली, झाड़ू करना पोछना जो भी था मुझे करना वो सारा कर ली। उसके बाद मैं पूजा कर ली, रहती हूँ ग्राउंड फ्लोर में, और कपड़ा सुखाने के लिए मुझे जाना पड़ता है थर्ड फ्लोर, तो रोज़ का थोड़ा हालत ख़राब हो जाता है तो मैं नहीं जाती हूँ, मैं रूम में ही सुखाती हूँ। लेकिन आज मैं सोची कि नहीं, थोड़ा अब धूप में भी कपड़ा को सुखाना पड़ेगा, तो मैं अब से सोच ली कि अभी रोज़ थोड़ा बहुत मेहनत करके छत जाऊँगी और थोड़ा कपड़ा धूप में ही सुखाऊँगी। लेकिन आज का ना धूप उतना अच्छा भी नहीं है, थोड़ा सा मौसम ऐसा लग रहा कि बारिश करेगा, बट मैं वेदर जब चेक की थी तो बारिश आज का नहीं है।
मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है जब गीला बाल फेस में आता है, मेरा तो ऐसे फेस में नहीं आता, तो मैं क्या करती हूँ फ़ैन के आगे ने जल जाती हूँ और जब हवा से मेरा फेस में बाल आ जाता है वो भी ठंडा ठंडा फील होता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो इसलिए मैं फ़ैन के आगे बैठ गई हूँ। और मुझे थोड़ा हेयर भी ड्राई करवाना था तो इसलिए मैं फ़ैन के आगे बैठी हुई थी। और हेयर को जब ड्राई करना रहता है मुझे ना मज़ा ही आ जाता है क्योंकि फेस में गीला गीला बाल आ जाता है। तो लगी है भूख तो मैं सबसे पहले अपने बाल में क्लेचर लगा ले रही हूँ क्योंकि जब खाती हूँ तो पूरा बाल मेरा मुंह पे आ जाता है, इसलिए मैं सोची कि इसको सबसे पहले क्लेचर लगा लेती हूँ। और मुझे ना थोड़ा सा दांत दर्द हो रहा है ठंड से, तो उसके बाद मैं सोची कुछ भी हो जाए यार जोरों की भूख लगी है, मैं तो सबसे पहले अपना खाना खा लूँगी और फ़ैन भी जल्दी बंद कर ली क्योंकि फ़ैन से भी बहुत ही ज़्यादा बाल को क्लेचर लगा ली फिर भी बाल आगे आ जाता फेस में, तो इसलिए मैं सारा को फ़ैन को भी बंद कर दी। और मैं आज नाश्ते में क्या लाई हूँ थोड़ा सा वेट कर लीजिए दिखाई देती हूँ क्या है। आज नाश्ते में मेरा सत्तू पराठा है, प्लेन वाला सत्तू पराठा मैं लाई क्योंकि मैं ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं पहले ही मना कर दी थी क्योंकि मैं अपना डाइट को थोड़ा सा ज़्यादा ही सीरियस लेके कर रही हूँ, इसीलिए ऑयल बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। और रोटी मैं बहुत टाइम बाद वन मंथ हो गया शायद, उसके बाद मैं आटा वाला चीज़ खाई हूँ, गेहूँ वाला मतलब, फिर उसके बाद मेरा सारा कुछ बर्तन जितना भी था उसको धोना है क्योंकि कल रात में जो था उसको भी मैं धोई नहीं थी, तो वो सारा अभी मुझे धोना है। अब किचन पूरा ही खाली है, ठंडा के दिन में ना मेरा एक अच्छा होता है क्योंकि मुझे आदत है मॉर्निंग में उठने का, तो मैं उठ जाती हूँ जल्दी ही और बाकी सब थोड़े लेट में उठते हैं ठंड के टाइम में, तो उस टाइम ना मुझे बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि पूरा किचन खाली रहता है, मैं आराम से सारा काम अपना कर लेती हूँ जैसे अभी मैं कर रही हूँ। यार इसमें ना बर्तन दिखाने का नहीं था, इसमें मेरा हाथ दिखाने का था क्योंकि मेरा हाथ बहुत ही अच्छा दिख रहा है। फिर उसके बाद मैं बर्तन सारा लेके आ गई, उसके बाद अपना स्टडी के लिए अभी अपना बैठना है, तो उसके बाद मैं अपना सारा स्टडी टेबल अपना ओपन कर ली, सारा बेड थोड़ा बहुत समेटना था वो भी सारा काम कर ली। और आज ना मुझे अपना डाइट चार्ट बनाना है और जिम में एक दो दीदी को भी मुझे डाइट चार्ट देना है, तो मैं सोची कि सबसे पहले अपना डाइट चार्ट कम्प्लीट कर लेती हूँ उसके बाद मैं अपना सारा काम कर लूँगी। तो उसके बाद मैं बैठ गई अपना डाइट चार्ट बनाने के लिए। आजकल मुझे टाइम नहीं लगता डाइट चार्ट बनाने के लिए क्योंकि अब इतना टाइम हो गया है कि मुझे इतना आइडिया अच्छे से हो गया है कि मुझे कब क्या खाना है, तो फिर उसके बाद मैं अपना डाइट चार्ट बनाने लगी। मेरा अलग से एक डाइट चार्ट बनाने का है और जिम में एक दीदी को मुझे देना है एक डाइट चार्ट, तो उसके लिए भी एक मुझे बनाना है, तो इसलिए मैं बनाने लग गई। जब मैं फुल डाइट में थी तब मैं बिल्कुल भी ऑयल तो लेती ही नहीं थी, मैं बहुत नॉर्मल खाती थी, लेकिन वैसे मैं किसी को सजेस्ट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मेरा में बहुत वीकनेस आ गया था और फेस में भी बहुत वीकनेस दिख रहा था। अभी कुछ टाइम हुआ मेरा फेस जो नॉर्मल दिख रहा है, उसके बाद मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं स्टडी करने लगी क्योंकि मेरा स्टडी का टाइम हो गया है और मेरे सैटरडे को टेस्ट है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा अभी प्रेशर देना पड़ेगा खुद को और थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करना है, इसलिए मैं अभी सोची कि चलो स्टडी कर लेती हूँ। मुझे
मुझे ना बिल्कुल भी याद नहीं था कि मेरा कपड़ा छत में है, फिर अचानक से मुझे याद आया कि मेरा कपड़ा छत में है। अच्छा हुआ आज बारिश नहीं हुआ, तो मैं तो खुश थी कि हाँ चलो भाई कपड़ा मेरा बच गया है। मुझे तो ऐसे लगा था कि क्या पता बारिश हो गया तो फिर गया मेरा सारा मेहनत, फिर से वॉश करना पड़ेगा। ऐसे तो मैं चेक कर ली थी, बारिश ऐसे नहीं था, बट होता ना किस्मत का कुछ भरोसा नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद मेरा सारा कपड़ा बहुत ही अच्छा से सूख गया था। मैं तो आज खुश हो गई थी क्योंकि आज मैं इसे फोल्ड करके रखने वाली हूँ, वरना मेरा एक दिन पूरा लग जाता है कपड़ा सूखने में, क्योंकि रूम का फैन से ही मेरा कपड़ा सूखता है। मेरा नहीं, मेरे सारी रूममेट्स का भी फैन से ही हम लोग कपड़ा सुखाते हैं। और अभी का सूरज इतना अच्छा लग रहा है, अभी 4 बज रहा है और सूरज इतना प्यारा लग रहा है, नवंबर का तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। ठीक है गाइस, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलते, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।